आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन फीस के संदर्भ में उपखंड मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। विजय राघवगढ़, 9 जनवरी 2021 को कैमूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संचालक द्वारा अभिभावक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने 10 मई की ट्यूशन फीस जमा करने की बाध्यता की थी। अभिभावकों के द्वारा अपने पक्ष रखे जाने पर संचालक श्री शुक्ला जी ने 25% छूट देने का निर्णय लेते हुए कहा कि इसके अलावा ज़्यादा छूट चाहिए तो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के पास जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जो अभिभावक TC निकालना चाहते हैं वह निकलवा सकते हैं। संबंधित विषय को सभी अभिभावकों ने क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सत्यन पाठक जी के समक्ष 14 जनवरी 2021 को भी रखा था। इसी विषय को लेकर 19 जनवरी को उपखंड मजिस्ट्रेट सुश्री प्रिया चंद्रावत विजय राघवगढ़ के समक्ष अभिभावकों ने आवेदन प्रस्तुत किया। SDM महोदय ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आश्वासित किया। इस अवसर पर अभिभावक मनोज कुमार निगम, प्रमोद गुप्ता, काजल पांडे, श्रीकांत गुप्ता, सुनील दुबे, गुलशन चक्रवर्ती, अनिल कुमार गुप्ता सहित लगभग 70 से 75 अभिभावक उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित जागेश्वर प्रसाद मिश्रा, RPKP इंडिया न्यूज, विजय राघवगढ़। पहले जो ट्यूशन मासिक शुल्क देते थे उसकी रसीदें कटते थे, मासिक शुल्क के नाम पे। अब आफ्टर सम टाइम हाई कोर्ट की जो एक गाइडलाइन है कि ट्यूशन फीस बस लेना है, अमाउंट वही है, बस इबारत चेंज हो गई, ट्यूशन शुल्क कर दिया। मैंने डिटेल देने को तैयार नहीं कि मासिक और शुल्क में डिफरेंस क्या है ट्यूशन फीस में, और 730 रुपये पर है इंग्लिश मीडियम। सभी अभिभावकों की बैठक में जो पक्ष रखे गए अभिभावक की ओर से उस पर 25% की रिपोर्ट देने के लिए एग्री हुए, और इसके बाद हम नहीं दे पाएंगे। भले आप सभी लोग TC निकलवा दीजिए। हाँ जी, वो बोला जो नहीं फीस जमा करेगा उसके बच्चे को प्रमोट भी नहीं किया जाए। आप पक्ष रखने में फिर बोलते सभी लोग TC निकलवा दी, मुझे कोई फायदा नहीं होता। मध्य प्रदेश शासन चाहिए, चाहे सरकार के पास ऐसे ही आशा बना होती। आज सभी हम अभिभावकगण कैमूर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन श्री शैलेश शुक्ला जी की एक जो उनकी ओर से मुहिम चलाई गई है कि सभी अभिभावकों को जो पीछे लॉकडाउन का कोरोना काल का समय गुजरा है उसमें सभी को विद्या शुल्क देना अनिवार्य है, जबकि किसी भी तरह से ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन कोई भी पढ़ाई नहीं कराई गई है। दूसरा एक विषय आया कि मासिक शुल्क को इनने ट्यूशन फीस के रूप में जो डाइवर्ट किया हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट का एक फैसला था ट्यूशन फीस देना अनिवार्य है, लेकिन वो है ये डिटेल देने को भी तैयार नहीं कि ट्यूशन फीस और मासिक शुल्क आखिर है क्या। तो हम सभी अभिभावकों ने एक जो है बैठक रखी थी और माननीय चेयरमैन प्लस प्रिंसिपल के द्वारा एक अभिभावकों की बैठक बुलाई गई थी कि उस समीक्षा बैठक में फीस को लेकर के एक मुद्दा रखा गया था। वहाँ भी उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा जिन अभिभावकों को नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाए, अपनी TC ले ले। TC लेना ये कोई न्याय संगत उनका तर्क वितर्क नहीं रहा। ठीक है, आज हमारे माता पिता का अध्ययन भी आपके संस्थान में हुआ, हमारा भी हुआ, आज हमारी पीढ़ी जो औलादे हैं वो भी आपके विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो हम आपको एक प्रतिष्ठान के या संस्था के संचालक के रूप में नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमारा एक परिवार हो, परिवार के मुखिया हो। हम सभी पीड़ित अभिभावक आज उपखंड मजिस्ट्रेट मैडम सुश्री प्रिया चंद्रावत के समक्ष इस मुद्दे को लेकर के आए हैं, और शिक्षा संबंधित सभी अधिकारी जो भी हैं उनके संज्ञान में इस मैटर को लाना चाहते हैं कि मासिक शुल्क और ट्यूशन फीस का एक तो हमें विवरण दिया जाए, और ऐसी क्या छोटी है कि आज जो मासिक शुल्क आप ट्यूशन फीस के नाम पे डाइवर्ट कर रहे हैं, आने वाले जो सामान्य वातावरण होगा, माहौल खुलेगा, उसमें आप ट्यूशन फीस में जनरल एक्टिविटी और प्लस नहीं करेंगे। सभी अभिभावकगण अपेक्षित हैं सभी शासकीय संस्थानों से, शिक्षा संबंधित अधिकारियों से कि हमारे साथ सभी तरीके से न्याय संगत जो निर्णय दिया जाए। और शैलेश शुक्ला जी का ये भी तर्क आया था कि आप DAV की फीस कंपेयर करिए, कटनी की फीस कंपेयर करिए, हम क्यों कंपेयर करने जाएंगे, हम कैमूर निवासी हैं, आपके संस्थान में हमारी 3री पीढ़ी पढ़ रही है,
तो हम क्यों ऐसा कंपेयर करें डीएवी में क्या चल रहा है। डीएवी तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, क्या आपके विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई कराई है आपने? जब हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि ट्यूशन फीस लेने में स्कूल सक्षम है, तो आपने वहाँ से हमें ट्यूशन फीस डाइवर्ट करी और ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले संस्थान ही ट्यूशन फीस देंगे। अभी तक तो पीछे जो लॉकडाउन गुजरा है, कोरोना काल गुजरा है, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं हुई है। और आपके विद्यालय में मैक्सिमम 90% सिर्फ श्रमिक वर्ग का जो है बच्चा पढ़ रहा है, तो श्रमिक वर्ग तो ऑलरेडी अपने काम धंधे में रोज़ कमाना अपने घर में बैठा था, पीछे गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन थी उनका पालन कर रहा था। हम सभी आशा लेकर के आए हैं कि जो भी न्याय संगत डिसीजन हो हमें वो प्रदान किया जाए।